बीएसएल प्लांट में कार्यरत कर्मी के साथ बोकारो जनरल अस्पताल के कैंपस के अंदर वाहन खड़ी करने को लेकर कर्मी और होमगार्ड के जवान आपस में उलझ गए और मामूली नोक झोंक के बाद हाथापाई पर उतर गए, जहां बीएसएल कर्मी ने अपने साथ हुई मारपीट का आरोप होमगार्ड के जवान पर लगाया, जिसको लेकर सेल के अन्य कर्मचारी भी बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे और होमगार्ड के जवानों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा और सेल के कर्मचारी और होमगार्ड के जवानों के बीच नोक झोंक कर धक्का मुक्की भी हुई। वहीं सेक्टर 4 थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और समझाया बुझाया। वहीं अब बीएसएल कर्मियों ने भी होमगार्ड के जवानों पर कार्रवाई करने और यहां से हटाने की मांग को लेकर अस्पताल के गेट के समक्ष धरने पर बैठ गए। जवान थे होमगार्ड के, उन लोगों के साथ शायद इन लोगों का कुछ बकचक हुआ बातचीत में या फिर कुछ विवाद बढ़ गया उसी में, तो ये लोग होमगार्ड वालों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इन लोग बात को ज़्यादा बढ़ा करके शायद होमगार्ड वालों के खिलाफ ही लाठी चलाने की भी बात सामने आ रही है। लाठी चलाने की बात अभी तक हमारे तरफ से कभी ऐसा नहीं आया है, लाठी नहीं चला है। नहीं, होम गार्ड के द्वारा एम्प्लॉई पर नहीं, हमारे सामने तो ऐसा नहीं आया है, हमारे सामने ऐसा कुछ घटना नहीं घटा। आगे क्या समझाने का बात चल रहा है? हमारे द्वारा तो बहुत कोशिश किया गया कि इन लोगों को शांत कर दिया जाए, समझा बुझा दिया जाए, ऐसा कोई मामला था नहीं, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। तो देखिए अब इन लोग कब तक नारेबाजी करते हैं, आगे अब क्या इन लोग का मांग है, उस हिसाब से आगे मतलब कार्रवाई होगा। गेट को जाम कर रखे हैं, मरीज का आने जाने में कोई सुविधा का हो रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो मरीज को ये लोग कोऑपरेट किए हैं, जब भी कुछ गाड़ी वगैरह आया है तो आने जाने का रास्ता छोड़ दिए हैं, और अगर ऐसा होगा तो इन लोग पे दबाव भी बनाया जाएगा कि एक साइड हो जाए। तो होमगार्ड पर भी आरोप लगा रहे हैं कि होमगार्ड के जो जवान हैं वो थोड़ा सा मारपीट किए। ये बात तो पहले की है, वो शायद इन लोग इल्जाम तो लगा रहे हैं कि मारपीट हुई है, लेकिन सत्यता क्या है ये नहीं बता सकते, जाँच कर। हाँ, जाँच कर। हम आए 3 बजे के आसपास, 3:15 बजे तक। हम थे मेरे परिवार से, हम कल गारंटर बनने आए थे, तो उसका आज बाल बच्चा हो गया उसका, तो वो लोग बोला ना कि हो गया है तो 12 बजे के बाद है कोई लड़का पड़का देता है, हमें 2 बजे के बाद ही चलिएगा। हम कोई 3:30 बजे आए, यहाँ कोई एक गेट पर कोई नहीं रोका। तो वहाँ पर सबका एक बात, कर्मचारी का इज्जत देना होगा, देना होगा। वहाँ 25-30 को गाड़ी खड़ा था यहीं पर, वहीं लगा दिए हैं, चले गए। जाते जाते हम परिवार दोनों का गांधी वार्ड था सर, गांधी वार्ड में जैसे गए, हमारा परिवार बोलना कि ये जी बिस्कुटवा कजुआ तो छूट गया डिक्की में, अच्छा रुको रुको, हम बोल दिए कि 1 घंटा रहना हम आएंगे। तो जैसे ही आए ना, तब तक से डिक्किया खोल रहे थे, वो बोला है गाड़ी तुम्हारा है, मुझे सर मेरा गाड़ी है, अभी तुम जल्दी हटाओ। बोले सर बिस्कुट है काजू है, देखिए मेरा परिवार सामने देख के आ रहे हैं, अभी तुरंत जल्दी से हटाओ। बोले सर तुरंत आ जा रहे हैं। बोले सर इतना गाड़ी लगा हुआ इसी में, सर 1 सेकंड के लिए तो आ रहे हैं, देखिए 20-30 को गाड़ी लगा, तो तू हमारा मालिक है? वो बोला कि तू मेरा मालिक है कि 20-30 को गाड़ी लगा है? तो कहीं सब स्टाफ का गाड़ी है। कहीं सर ठीक है, हम थोड़ा बहुत स्टाफ है, हम प्लांट स्टाफ है, ऐसे बोले प्लांट थोड़ा बाप का है। बोले कि चल बोला ठीक है सर, दे के आ रहे हैं, तुरंत दिक्कत ताक रही हुई ऐसी बोले। और उतने ही दूरी में गए दौल दौल, ठीक है तो जाओ, तो तू बढ़िया तुम गाड़ी हो जाए, तुम्हारा गाड़ी बढ़िया से हो जाए। देखे 2 मिनट में आए, तब गाड़ी पर आए, गाड़ी खोलने लगे, स्टार्ट करने लगे, तो थोड़ा गाड़ी बढ़ा भी लिया, तो देखे जैसे गाड़ी बढ़ाए तब तक से देखे कि हवा नहीं था गाड़ी में, अगला चक्का में हवा निकल गया था। हम कहें सर देखिए ना कौन हवा निकल गया, और उन लोग को बोलबो किए सर कि देखिए सर आगे ना 1 मिनट लगा, तो लोग हंस रहा है, 4-5 गो तो हंस रहा था। हाँ ठीक है निकलो। हाँ अगले स्टार्ट किया, बढ़े तो देखे हवा अगला चक्का में हवा नहीं है। तो कहीं देखिए सर देखिए कौन साला हवा निकाल दिया हमारा, तो इसी में जैसे सला देखिए अभी तुरंत गए सर, अभी तुरंत हवा निकाल दी, वही लोग से बोले। उसके बाद निकाल के चलने लगे, तो एगो चल ना चल जाओ, क्या हुआ क्या फिर आपके साथ क्या क्या? फिर कुछ नहीं हुआ, आया तो बोला जा नहीं इम्प्लाई के बाप घर जाऊंगा। सुनो कैसे मारा, लाठी से? नहीं लाठी से नहीं मारा, इम्प्लाई के बाप है तू घर जाओ। घंटा चला उसी में
नहीं हाथ से हाथ 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 चिमटा मार दिया, चिमटा मार उसके बाद फिर हाथ फिर हाथ से रोके बोले हाथ मत चलाइए, तब ये तीन चार गुआ गया फिर लाते मुंह के मारने लगा यहीं पर सर। देखिए बूढ़े थे नाम नहीं जाने हमारा नाम शंभु चौधरी नाम है मशीन शॉप असेंबली प्लांट में शंभु चौधरी सिर्फ सस्पेंशन नहीं करण करण करण।